हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट में हमने ऑब्जर्व किया था चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टेटिस्टिक्स पार्ट 2 बुक, जिसमें हमने लिमिट को ऑब्जर्व किया है। बच्चों, अब जो है हमें देखना है एक उसी से कनेक्टेड चैप्टर। स्टार्टिंग जो है वो कनेक्टेड रहेगी और टाइटल ऑफ द चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अब बच्चों, ये होता क्या है? थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब उसके लिए हमें कुछ नॉर्मल चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमारे पास जनरली कोई भी फंक्शन होता है, लिमिट भी हमने ऑब्जर्व किया था, लिमिट ऑफ द फंक्शन हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन भी करेंगे, वो भी होगा, इट इज़ अ प्रोसेस, वो भी प्रोसेस है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। यानी हमारे पास जनरली फंक्शन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, जिसका नोटेशन है उसे हम वाई भी कह सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और वेरिएबल दो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स होने वाली है। एक जो वर्ड है उसे हम कहने वाले हैं डेरिवेटिव, और दूसरा तो टाइटल हमारे पास है ही, उसे हम कहने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो दोनों को हम समझेंगे पहले नॉर्मली, फिर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये डेरिवेटिव कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो जो भी हमारा वेरिएबल होता है बच्चों एक्स, उसमें थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, जैसे कि हमें पता है लास्ट में लिमिट के अंदर हमने नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए देखा था, थोड़ा सा हम राइट में गए थे ए के, याद कराता हूँ फिर से, ए हमारा था थोड़ा सा, यानी हमने उसे कहा था डेल्टा, तो वो हमें मिला था a प्लस डेल्टा। थोड़ा सा लेफ्ट में गए थे तो उसे हमने कहा था a माइनस डेल्टा। यानी जब मार्जिनल, बहुत छोटा सा चेंज अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए डेल्टा वर्ड यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो वेरिएबल x है बच्चों, x में थोड़ा सा चेंज करना है तो उसे हम कहेंगे डेल्टा x। वैसे ही x में थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे तो फंक्शन तो y हमारा इन टर्म्स ऑफ x होता ही है, x में जैसे ही चेंज करोगे y में भी आपको थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। यानी y का थोड़ा सा चेंज है उसे हम कहेंगे डेल्टा y। तो डेरिवेटिव जो है बच्चों, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज है, जब भी रेट आता है बच्चों तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है। तो रेट जो है उसे हम डिफाइन करेंगे एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी x में मैं जितना चेंज करूंगा उसके रिस्पेक्ट में y में जो भी चेंज हो रहा है उसका जो रेट है, उसका जो रेशियो है, उसे हम कहेंगे रेट इन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y ड्यू टू वेरिएबल x। और ये जो है उसे हम, इसकी हम फाइंड करते हैं लिमिट बच्चों। यानी इसे लिखा जाता है लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। कम से कम चेंज हम करने का ट्राई करते हैं और इसी के ऊपर से हमें मिलती है वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, उसे ही हम कहेंगे डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव इज नथिंग बट हमारे जो वेरिएबल एक्स में हम चेंज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल वाई में कितना चेंज होता है उसके रेट को हम टेक्निकली यहाँ पे अभी डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जो पूरी प्रोसीजर है बच्चों, उस पूरी प्रोसीजर को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ये हमने नॉर्मल वर्ड्स में समझा, x में चेंज करें तो डेल्टा x मिले, y में चेंज करें तो डेल्टा y मिले, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल y ड्यू टू वेरिएबल x, उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो जो नोटेशन है इसे नोटेशन में बच्चों हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम लिखेंगे एज dy by dx, बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टैंडर्ड नोटेशन थोड़ी देर बाद अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रफली हमने समझा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, उसका जो रेट है उसे हम कह सकते हैं डेरिवेटिव इन नॉर्मल वर्ड्स। मैथमेटिकली जो है वो अब हमें ऑब्जर्व करना है मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, उसके लिए एक छोटा सा हम ऑब्जर्व करेंगे, फंक्शन से रिलेटेड पार्ट है। सो मीनिंग आएगा, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। f from a to r is a real function and for
ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक एलिमेंट लिया जाए, कोई भी नंबर लिया जाए, एंड एज वी नो दैट वेयर कैपिटल ए जो है इज एन ओपन इंटरवल, और इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट भी हम आगे देख ही चुके हैं, ठीक है। यानी एक्स की कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो प्लॉटिंग जब भी आप करते हो कोई भी ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल होता है, वाई एक्सिस पे हम वाई को प्लॉट करते हैं, और मैं कह चुका हूँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स की कोई एक वैल्यू ए है, तो इसमें अगर मैं एक्स की जगह पे ए रखूंगा तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए, यानी टेक्निकली फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए मिलेगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा अगर हम राइट साइड में जाएंगे, अब थोड़ा सा जो राइट जाने वाले, पहले डेल्टा डेल्टा हम कह रहे थे, अब इसमें मैथमेटिकली स्मॉल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हम ले रहे हैं, h जितना राइट साइड जाएंगे तो वो हमें मिलेगा a प्लस h। तो अगर यहाँ पे आप a प्लस h लिखते हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो जैसे हम कह चुके हैं चेंज जो होता है इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस y को हम कहेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन में चेंज ऑब्जर्व करते हैं उसे कहा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और रेट फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे हम ए प्लस एच माइनस ए से, यानी ए ए कैंसल हो जाएगा, और यही जो है बच्चों उसे ही हम डिफाइन करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिफाइंड एज, उसे हम लिखेंगे एफ डैश ए नोटेशन में, और लिखा जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। यानी जैसे मैंने यहाँ पे बोला था वो डेल्टा वाई, यानी वाई की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे हम नॉर्मली कह रहे थे थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज बता रहे हैं h जितना, तो a प्लस h मिलेगा। तो x की वैल्यू में डिफरेंस होगा a प्लस h माइनस a, y की वैल्यू है उसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं a प्लस h, तो वो डिफरेंस होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। और उसकी अगर लिमिट ढूंढते हैं, जैसे मैं आगे समझा चुका हूँ यहाँ पे, वो मैंने थियोरेटिकली थोड़ा समझाया था, अब यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास है, और ये है फॉर द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये जो है इसे हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फॉर एनी वैल्यू, अब यहाँ पे तो खाली हमने एक वैल्यू a के लिए बताया था, फॉर एनी वैल्यू एनी x बिलोंग्स टू R हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर डिफाइन करना है तो उसे हम कह सकते हैं f डैश x, या उसका नोटेशन हम जनरल में लिखेंगे dy by dx, दैट कैन बी रिटर्न एज x टेंस टू जीरो। खाली यहाँ पे a की जगह पे हम लिख देंगे x, दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो ये जो है वो जनरल फॉर्म में हम उसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड ये जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की पूरी प्रोसीजर है, यानी कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी प्रोसेस है उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम करेंगे क्या, हमें फंक्शन दिया जाएगा, हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करेंगे, ये लिमिट वाले ऐसे सम्स हमने बच्चों लास्ट में किए थे, तो वही काम करना है। और एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का इस्तेमाल करना, यानी ये फॉर्मूला यूज करना। अल्टीमेटली पहला जो एक्सरसाइज का पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 5.1, उसमें हम लिमिट का चैप्टर है वही कंटिन्यू करेंगे ऐसा आपको लगेगा, मगर वो जो लिमिट का आउटपुट मिलेगा, जो आंसर हमें मिलता था, उस आंसर को हम कहने वाले हैं अब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी डेरिवेटिव इज द फाइनल आंसर या आउटपुट ऑफ द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है। और डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही चल चुका है, ये ढूंढने के लिए जो हम ओवरऑल प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए बच्चों आप देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 के दो तीन एग्जांपल्स। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सेकंड एग्जांपल। तो जैसे कि अभी हम डेफिनेशन ऑब्जर्व कर चुके हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है दो तरह से लिख सकते हो, या तो एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई बाई डी एक्स। इट इज डिफाइंड एज इन जनरल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो ऐसे सम लिमिट में भी बच्चों कर चुके हैं,
एफ ऑफ एक्स तो ओरिजिनल फंक्शन है, हमें ढूंढना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी वी विल पुट सिंपली एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स। तो लिखना पड़ता है वही, यानी पुट एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें x प्लस एच रखना पड़ेगा, दो जगह पे है तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का एक्सपांशन तो हमें पता ही है, तो आगे वाला चैप्टर जो है लिमिट में हम पूरा ऑब्जर्व कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस पी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। अल्टीमेटली हमें स्टार्टिंग में तो लगेगा ही नहीं कि हम ये चैप्टर डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं, लिमिट वाला ही काम हमें करना है एज यूजुअल। तो अब इसे रख देते हैं रिस्पेक्टिव जगह पे, तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी हम रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में रखना है, बाद में एक ही टर्म है तो टेंशन नहीं है, अदरवाइज पीछे भी ब्रैकेट खास करते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसल, ऐसा ही एक्स क्यूब वाला एक सम लिमिट में भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या तो टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, एंड लिमिट ढूंढने के लिए प्रोसेस वही है, कॉमन निकालो एच को, तो हम एच को कॉमन निकाल लेते हैं, सो बचेगा क्या तो टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। सो आफ्टर कैंसलिंग एच, तो कैंसल करने के बाद जो भी बचता है यानी 2x प्लस एच, उसमें x की जगह पे बच्चों जीरो रख देना है, प्लस h सॉरी h की जगह पे उसमें जीरो रख देना है, टेक्निकली 2x प्लस जीरो, यानी आउटपुट क्या मिलेगा 2x। तो ये बच्चों जो 2x हमें मिल रहा है यहाँ पे, उसे ही कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अब देख लेते हैं बच्चों चौथा सम है हमारे पास, जो है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, और दिया गया है एक्स इज नॉट गोइंग टू बी माइनस वन, जो कि हम लिमिट के अंदर ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, ठीक है। तो काम वही करना है बच्चों हमें, सिंपली पुट एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स, तो जहां एक्स दिख रहा है वहां पे हमें रख देना है एक्स प्लस एच, तो वन अपॉन एक्स की जगह पे हम रख देंगे एक्स प्लस एच प्लस वन, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो हम उसे एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस एच प्लस वन। तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, होल स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, मगर बाद में होगा। अब डेफिनेशन जो हमारी कहती है एफ डैश एक्स डेरिवेटिव की, दैट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, उसमें ये दोनों हिस्से हम रख देते हैं, थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा बच्चों। अब लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे हमें रखना है वन अपॉन एक्स प्लस एच प्लस वन, माइनस ओरिजिनल फंक्शन रखना है जो कि है वन अपॉन एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय में हमें नीचे रखना है h, ठीक है। तीन चार सम करोगे तो ये आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला याद रह जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिमिट। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x प्लस वन को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x प्लस एच प्लस वन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एज वी नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई नीचे किया जाता है। सो लिमिट h टेंस टू जीरो ऊपर मिलेगा x प्लस वन, माइनस ब्रैकेट जरूर करना बच्चों, माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो वी शुड डू ब्रैकेट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एच प्लस वन एंड x प्लस वन होल डिवाइडेड बाय, भी भूलना नहीं है नीचे क्या है एच। तो बच्चों इतना पार्ट रेडी हो चुका है हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो के साथ हमारा हिस्सा इतना है। अब मैं माइनस करूंगा साइन अप्लाई दूसरे ब्रैकेट के ऊपर, पहले में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, सावधानी थोड़ी रखनी है, माइनस होगा एक्स माइनस होगा एच माइनस होगा वन डिवाइडेड बाय, ये दोनों ब्रैकेट को मैं एच के बाद में लिख दूंगा, एच के साथ में वो दोनों ब्रैकेट यानी एक्स प्लस एच प्लस वन एंड एक्स प्लस वन लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बीच में साइन है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट आफ्टर माइनस साइन, एंड देन अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो एक तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, ऊपर खाली बचेगा माइनस एच, नीचे तो एच ऑलरेडी तैयार है, यानी हम कॉमन फैक्टर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें एच ही निकलेगा, ऊपर नीचे एच एच को हम कर देंगे बच्चों कैंसल,
यानी बचेगा खाली माइनस वन, नीचे होगा एक्स प्लस एच प्लस वन, उसके साथ एक्स प्लस वन। नाउ अप्लाइंग एच टेंस टू जीरो, अब अप्लाई करते हैं लिमिट और आंसर हमें धीरे धीरे मिल जाएगा। जहां एच एक ही जगह पे दिख रहा है वहां पे जीरो रख देना है, प्लस वन, यहां पे भी प्लस वन, अल्टीमेटली ये हुआ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, दो बार है मल्टीप्लीकेशन है तो वी शुड राइट इट एज एक्स प्लस वन का स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं ए इंटू ए तो वो होता है ए स्क्वायर, वैसे ये ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लीकेशन में तो होगा ब्रैकेट का स्क्वायर। वैसे आपको समझ में आता ही है ये। तो ये जो मिला बच्चों ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो दो सम देखे हैं, एक और एग्जांपल बच्चों हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं, कांस्टेंट है बच्चों तो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन आता ही नहीं, इसीलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होता है कांस्टेंट नंबर में। फंक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, बट अकेला नंबर दिया जाए, जैसे कि हमें दिया हुआ है सेवन नंबर का क्वेश्चन इसी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के अंदर, तो सेवन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे राइट साइड पे एक्स नहीं है, लेफ्ट में मैं रख सकता हूँ पुट एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैं x की जगह x प्लस एच रखता हूँ तो राइट साइड पे तो x है ही नहीं, तो रखेंगे कहाँ, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में हम कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑब्जर्व कर चुके हैं, कोई भी वैल्यू हो x की वो अभी बदलता नहीं है। तो सीधा f डैश x हम ढूंढेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो ये भी 10 और वो भी 10 डिवाइडेड बाय h, यानी 0 0 अपॉन h, ठीक है। टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h 10 माइनस 10 अपॉन h, लिमिट तब तक लिखते रहना है जब तक आपका आंसर ना मिले। सो ऊपर 0 अपॉन h, 0 अपॉन h इज ऑलवेज नेचुरली 0 एंड कांस्टेंट की लिमिट वही होती है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे दैट f डैश x इज ऑलवेज 0। तो याद रखना है, फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो छोटा सा ये सम हमने ऑब्जर्व किया, अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। तो बच्चों अब देख लेते हैं तीसरा एग्जांपल, इसके अंदर थोड़ी पावर हायर है। जब पावर ऑकवर्ड हो बच्चों तो एक्सपांशन करने में कष्ट होता है, काम वही करना है पुट एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स। तो मैं रख तो दूंगा x की जगह पे x प्लस एच, मगर हम यहाँ पे अटक जाएंगे कि 7 पावर 7 पावर का तो एक्सपांशन कैसे देंगे हम। हम 3 तक एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, हायर में 4 तक अगर होल स्क्वायर करके लेंथी करके भी एक्सपांशन करें, मगर उससे ज़्यादा पावर हो ये तो फिर भी कांस्टेंट नंबर इंटीजर है, कभी कभी 3/2 पावर 5/2 पावर ऐसे भी देते हैं। तो जब पावर ज़्यादा होती है बच्चों तब स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी है जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। लिमिट में भी ऐसे सम्स हमारे पास थे, इलस्ट्रेशन हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू डेफिनेशन वाइज लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो जैसे ही मैं रख देता हूँ लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन को रख देते हैं x प्लस h रेज टू 7 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन एच। तो बच्चों आपको शायद अगर याद हो तो हमने ऐसा सम किया था ऑफलाइन में, उसमें कहा गया था अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए हो तो एन लिखते थे और ए रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करते थे। बट उसके लिए रूल होना था, चाहिए था एक्स टेंस टू कोई भी एक नंबर होना चाहिए, एक्स टेंस टू ए होना चाहिए। बस यहाँ पे हम वैसे ही फॉर्मेट को रेडी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे हम x प्लस एच है उसको थोड़ा सा कंसिडर कर देते हैं, उसकी जगह पे नया नाम ले लेते हैं, कंसिडर x प्लस एच इज इक्वल टू टी। x प्लस एच को हम t कह देते हैं तो थोड़ा सा तो हमारा काम हो जाएगा, अभी लिमिट में थोड़ा हम बाद में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हो जाएगा t रेस टू 7 माइनस, अब x रेस टू 7, x को हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये कॉमन फॉर्मेट आ जाए। x प्लस एच की जगह पे हमने t लिख दिया, ठीक है, यानी x रेस टू n जैसा t रेस टू 7 हो गया,
एंड पड़ोस में a रेस टू n, यहाँ पे हमारे पास x रेस टू 7 है, यानी दो वेरिएबल्स थे। अब t की लिमिट होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे आगे ऑब्जर्व किया था x टेंस टू a, वैसे ही लिमिट के बारे में थोड़ा चेंजेस हम करेंगे। नीचे होना चाहिए x माइनस a। अब बच्चों h जो है, x प्लस h अगर होता है t, तो h की वैल्यू क्या होगी, h विल बी, x को आप शिफ्ट करोगे तो h विल बी t माइनस x, तो नीचे भी क्या आ जाएगा t माइनस x, यानी अल्टीमेटली फॉर्मेट वैसा ही रेडी हो गया है, खाली अब लिमिट का प्रॉब्लम है और अब वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि एज h टेंड्स टू जीरो, अगर मैं h की जगह पे यहाँ पे जीरो रख देता हूँ, आपको समझाता हूँ लिख के, तो x प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा t, तो हम कह सकते हैं देन t जो है वो कौन से नंबर की तरफ जाएगा, टेंड्स टू x, x इज इक्वल टू t या t इज इक्वल टू x, हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली h की जगह जीरो रखे तो t टेंड्स टू x हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो पूरा पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, t टेंड्स टू x दिया गया है, फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो, x टेंड्स टू a हो, x a x a, t टेंड्स टू x हो, tx tx, दोनों की पावर सेम, तो फॉर्मूला कहती है n यहाँ पे जो भी पार्ट है वो, यानी n यानी 7, x रेस टू 7 माइनस 1, तो आंसर होगा 7x रेस टू 6। बच्चों फ्यूचर में हम एक फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे जो भी इसी के ऊपर बेस्ड होगी, और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं एज अ रीजन। कोई भी समय बच्चों जिसके अंदर पावर ऑकवर्ड दी जाती है तो उसके अंदर हम ये पूरा हिस्सा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एक छोटा सा सम इसके जैसा ही है, 5 नंबर का सम है, फटाफट उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उन्होंने दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स, और क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं एज रेज टू 1/2। अब इसका भी सॉरी 1/3, इसका भी एक्सपांशन करने में कॉस्ट होगा जब हम रखेंगे x प्लस h x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x, तो सेम यही सिचुएशन आ जाएगी और ऐसा ही पार्ट हम अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पे मैं रख देता हूँ x प्लस h, तो रेस टू होगा 1/3। एंड एफ डैश एक्स की अभी अभी हम डेफिनेशन यूज कर चुके हैं कई बार, तो उस हिसाब से काम वैसा ही होने वाला है जैसा हम करते आ रहे हैं, नीचे होगा h, तो कन्वर्ट करेंगे सेम इसी तरह से वेरिएबल को, पहले लिखना है जो हमें पार्ट दिया जाए, कोई भी पावर हो इसी तरह से हम कर सकते हैं इजीली। तो अभी अभी जो हमने यहाँ पे किया दूसरा सम साथ में इसलिए कर रहे हैं, x प्लस h की जगह पे हम कंसिडर कर देंगे सेम टू सेम, x प्लस h इज इक्वल टू t, ठीक है, x प्लस h इज इक्वल टू t, देयरफॉर h इज इक्वल टू t माइनस x, जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एज h टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू x, t बन जाता है x, तो फंक्शन जो है उसमें हम सिंपली अप्लाई कर देते हैं t टेंड्स टू x, x प्लस h की जगह पे t आ जाएगा, t रेस टू 1/3, x की जगह पे कुछ नहीं करना है, x रेस टू 1/3, और नेचुरली नीचे क्या होगा, h की जगह पे हम लिखेंगे t माइनस x। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो भी पावर है बच्चों हमारी वो लिखनी है 1/3, टेंड्स टू में जो दिया हुआ है वो लिखना है, और ऊपर पावर 1 माइनस 1/3 माइनस 1, सो 1/3 एक्स रेस टू, इसे हम लिख सकते हैं -2/3, 3 × 1 यानी 3, 1 - 3 यानी 2/3, मगर माइनस, और इसे अगर प्लस में कन्वर्ट करना चाहे बच्चों, तो जब भी पावर ऐसी दी जाती है नेगेटिव पावर है नीचे आप भेजते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, एक्स रेस टू 2/3, या नीचे से ऊपर ले जाते हो तो वो पावर जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वही फॉर्मूला जो ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n, x माइनस a यानी n a रेस टू n माइनस 1। तो बाय डेफिनेशन वाले बच्चों ऐसे ऑलमोस्ट दूसरे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, खास उसमें छठा नंबर है, 6 नंबर आप घर पे करोगे एंड फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो होमवर्क में अगर कहना चाहे तो 5.1 का फर्स्ट एंड 6, ये दो सम बच्चों आपको करने हैं, ठीक है। तो 5.1 कंप्लीट होता है इसी के साथ, यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों हमारे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ये बाय डेफिनेशन की जगह थोड़ा शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो तब तक इसके दो सम्स कर लेना, रेडी करके रखो, ठीक है। तो जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।